हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास आरबीएससी में वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा अपन ने जो ग्रोग्राफी के अंतर्गत, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये राजस्थान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, योजना है, जिसके आधार पर पूरे राजस्थान को पानी के मामले में क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला है कि इस योजना को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी किस ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान के अंदर ये योजना शुरू की गई। तो लास्ट की क्लास में जो अपन ने पढ़ा है, जितना ही पढ़ा है, उसके आधार पर पूरा एनालाइजेशन करके अपन अच्छी तरह से ये दिमाग में अपने बात मतलब आ चुकी है कि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पानी की क्या है, कमी है। ठीक है, अपन ने यह भी पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनके ऊपर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है पहले की तुलना में, तो वो सारे रीजन अपन ने पढ़े। तो इसीलिए जल के मामले यानी वाटर के मामले में मैनेजमेंट करना और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। तो उसी चीज की पूर्ति के लिए योजना शुरू की गई है। अगर इस योजना के शुरू करने की बात की जाए तो 2015 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो उनके शासनकाल के दौरान इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। कौन सी योजना को, चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना को। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला, टू मेक द स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू वाटर मैनेजमेंट एट लोकल लेवल विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड बामासा। जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान को क्या करना, जल प्रबंधन के माध्यम से पूरे राजस्थान को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, किसके मामले में, पानी के मामले में। इस योजना का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है ताकि राजस्थान के जो लोग हैं उनको पानी के लिए तरसना ना पड़े। और ऐसा ये जो इस योजना के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें सरकार की भी मदद ली जा रही है और जो भामाशाह है, बड़े बड़े जो दानदाता है, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से पूरा किया जा सके। यानी अपने अपने स्टेट राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी लगातार प्रयास कर रही है, भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि इन दोनों के माध्यम से राजस्थान को एक सशक्त स्टेट बनाया जा सके। किसके मामले में, वाटर डिपेंडेंसी के मामले में। इसके अलावा रिगार्डिंग द रेन शैडो एरियाज एज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एट रूरल एरिया, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा पानी की क्या है, कमी है, बरसात कम होती है, पानी की कमी है, तो इस योजना के द्वारा उस समस्या को हल करने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है, पहला, इंक्रीज द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये योजना इसलिए चली जा रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार भूमिगत जल क्या होता जा रहा है, उसका स्तर कम होता जा रहा है और उसकी क्वालिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस योजना का प्रायोजन यही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी बढ़े और उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें भी क्या हो, सुधार हो। एक मेन काम बोल सकते हो आप इस परियोजना का। इसके अलावा रिवाइवल ऑन एंशियंट वाटर सोर्सेज। इसके अलावा जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो पुराने तरीके हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के, मैनेज करने के, वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, मतलब कि ऋण अवस्था में चलते जा रहे हैं। तो इस योजना में ये मतलब मोटिव लिया गया है कि भाई अपने को दोबारा से उनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, यानी दोबारा से उन ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग करते हुए पानी का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो एक ये भी इस स्कीम के अंतर्गत है। एक इन दिस वर्क ऑफ डेवलपिंग ए साउंड वे ऑफ ओपनिंग वाटर बाय डिगिंग नाडीज पॉन्ड्स एंड वेल्स एट पंचायत लेवल। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड्स को रिवाइव करने की बात कही जा रही है, तो पंचायत लेवल पर, पंचायत स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हर पंचायत के अंदर नाड़ी, वेल्स, टाका, पॉन्ड्स, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कराया जाए, निर्मित करवाए जाए ताकि किसी भी लोकल लेवल के ऊपर पानी की कमी महसूस ना हो। खासकर कौन से क्षेत्र में, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा क्या देखने में आती है, कमी देखने में आती है। ये जो योजना चलाई गई है, इस योजना का 4 वर्ष टर्म रखा गया, यानी समय सीमा जो 4 वर्ष रखी गई है कि 4 वर्ष तक इस योजना को चलाया जाए ताकि पानी की कमी जो उसको खत्म किया जा सके और राजस्थान
पानी के मामले में क्या बन सके, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। फिर चार वर्ष के लिए योजना चलाई जाएगी, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इन विच द स्टेट विल कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड 21,000 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड। इससे क्या होगा, राजस्थान जो स्टेट है वो क्या करेगा, जो अलग अलग गवर्नमेंट जो है, अलग अलग स्टेट की जो सरकार है, सेंट्रल है, अलग अलग स्टेट है, कोशिश कर रहा है कि उनका सहयोग ले, ताकि उस सहयोग के द्वारा राजस्थान के 21,000 गांवों को इसका क्या मिल सके, फायदा मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत ये ऐसा सोचा गया है कि भाई अपने वो कैसे भी करके, चाहे दूसरे राज्यों के मदद लेके, या जैसे अपन ने पढ़ा मामा साहब वगैरह वो भी पढ़ा, मतलब कैसे ना कैसे सहयोग करके और अपने को इस योजना को आगे बढ़ाना है, ताकि राजस्थान को पानी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके और इसके द्वारा लगभग 21,000 गांवों को पानी की क्या मिल सकेगी, सुविधा मिल सकेगी, पानी का फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टनरशिप ऑफ, अब ऐसी बात नहीं है हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, मैंने कहा कि भी औरों का भी सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो गैर सरकारी संगठन भी है, इसके अलावा जो रिलीजियस ट्रस्ट है, जो धार्मिक जो मतलब की संगठन है, उनकी भी मदद ली जा रही है, नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस यानी ऐसे जिनको अपन अप्रवासी भारतीय बोलते हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, एंड लोकल विलेजर्स और स्थानीय जो गांव वाले हैं वो तो हैं, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ रेन शैडो एरिया सच एज टैंक्स, गोलीपीट, खड़ीन, जोर, टाका एटीसी हैव टू बी बिल्ट, मतलब इनका सहयोग लेकर लोकल लेवल पर इन सभी चीजों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, खासकर कौन से क्षेत्रों में जहां पर पानी की बहुत ज्यादा क्या है, कमी है, तो वहां पर टैंक्स बनाए जा रहे हैं, टाकाज बनाए जा रहे हैं, जोड़ बनाए जा रहे हैं, बेरी बनाई जा रही है, पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इन ट्रेडिशनल मेथड्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पानी को कलेक्ट करके और पानी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना जा सके और लोगों को पानी की कमी ना हो। इसके अलावा यूनिफॉर्म स्मॉल एनिकेट्स, मड चेक डैम्स, वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर एंड परमानेंट स्ट्रीम्स ऑल्सो हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे एनिकेट्स बनाए जा रहे हैं, मड चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर जो है, जो अपन ने बड़े नड़ी पॉन्ड्स वगैरह ये वो बनाए जा रहे हैं, और कई स्थायी स्ट्रीम यानी कई स्थायी इस प्रकार के जल तंत्र बनाए जा रहे हैं, जिनके अंदर पानी को क्या किया इसके स्टोर किया इसके, तो ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है। सब क्यों किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो ये सारे इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जब बरसात हो तो बरसात के पानी को इन सब के द्वारा इकट्ठा करके और पानी का अच्छी तरह से क्या किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके। अगर पानी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से होगा तो स्थानीय स्तर पर भी, देश के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी पानी को अच्छी तरह से मैनेज करके और लोगों को पानी की जो जरूरत है उसको क्या किया जा सकेगा, पूरा किया जा सके। तो ऐसा ही किया जा रहा है ताकि जब इनके द्वारा पानी इकट्ठा हो तो लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध हो सके, समझ में आ गया, और भी कई तरीके से पानी के द्वारा बिजली बनाना, तो इन सारी समस्याओं का क्या मिल सके, हल मिल सके। मतलब अगर अपन कंक्लूजन देखें इस पूरे टॉपिक का, तो ये जो योजना चलाई गई है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना राजस्थान के अंदर, मेन जो मोटिव है इस योजना का, वो मेन मोटिव यही है कि राजस्थान को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और स्टेट के अंदर कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जहां पर पानी की कमी लोगों को महसूस हो और उनको लगा कि भाई हमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, तो इस योजना का प्रमुख काम यही है। तभी जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, जिसके द्वारा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको, उसका लेवल क्या किया इसके बढ़ाया जा सके, इरिगेशन के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, ताकि जब लोगों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत हो तो उनको सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, कई नहरें भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा ये अलग अलग मेथड्स हैं, डैम्स वगैरह ये तो बनाए जा रहे हैं ताकि इनके द्वारा पानी को इकट्ठा करके और पानी की समस्या को राजस्थान से एकदम क्या किया इसके खत्म किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी योजना चलाई गई है जिसका फायदा राजस्थान के सभी लोगों को मिलने वाला है, और अपन सभी सोचते हैं कि मिले इससे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है वो अच्छी तरह से खत्म हो सके। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने पढ़ा चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में पढ़ा। तो ये था अपना आज का टॉपिक, आज अपना वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर था वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अगले जो
टॉपिक के अंदर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।